तो दोस्तों बेहोश कर दिया है जेरी को, हाथ में कैन्यूला लग गया है जिससे कि सेडेशन का टॉपअप होता रहे। अब ये सर्जरी के लिए जाएगा। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शावेस खान और मैं आज आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो में जिसमें कि हम टॉम और जेरी को लाए हैं सर्जरी के लिए। आज इनकी सर्जरी होनी है, ये एक साल के हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा टॉम नहीं बस, और इस वाली बास्केट में है जेरी। जेरी तो गाइस अभी इनका वेट हुआ है, जो टॉम का वेट है वो 4.4 kg है और जेरी का वेट 3.8 kg है। वेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही एनेस्थीसिया दिया जाता है और वेट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन सारी चलती है। तो दोस्तों ये सर्जरी से पहले हमें करना पड़ता है साइन। दोस्तों क्या होता है ये बताना। देखिए सर्जरी से पहले ये मैंडेटरी होता है साइन करना, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ये क्या है, जो रिस्क वगैरह होता है जैसे कि बाद में लड़ाई ना हो कुछ ना हो, क्योंकि ये पहले बता के रखते हैं कि एनेस्थीसिया का माइनर साइड इफेक्ट होता है, हो सकता है किसी किसी कैट को, इसलिए ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इस पर अपना साइन करने जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह जल्दी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों बेहोश कर दिया है जेरी को, हाथ में कैन्यूला लग गया है जिससे कि सेडेशन का टॉपअप होता रहे। अब ये सर्जरी के लिए जाएगा। दोस्तों जेरी की सर्जरी हो गई है कंप्लीट और ये अब भी बेहोश ही है। ये देखें, ये शाम तक होश में आएगा। ये डिस्टिल वाटर है जिसे हमें इसकी आईज़ में ड्रॉप करना है जिससे कि इसकी आईज़ ड्राई ना हो। और अब गया हुआ है टॉम सर्जरी के लिए। तो गाइज हमने इनकी सर्जरी करवाई थी 15 तारीख को और आज 18 है, 4 दिन प्रॉपर हो गए और हम इनकी वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाए थे क्योंकि इनकी सर्जरी के बाद मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी, घर लाने की बेहोश थे। ये देखिए ये जेरी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवरी हो गया है। ये अगर मैं एरिया दिखाऊँ, ये इसका पीछे वाला एरिया है जहाँ पर सर्जरी हुई थी, वो भी बहुत अच्छा रिकवर कर चुका है। और ये देखिए टॉम सो रहा है चरपाई के नीचे। तो गाइज बहुत अच्छी इनकी सर्जरी है माशाल्लाह से, एकदम परफेक्ट हैं, ठीक हैं और हेल्दी भी हैं। मेल की करवाने में गाइस 4,500 रुपये लगते हैं, मेरा खर्चा जो है 4,500 रुपये पर कैट आया है, इसका मतलब 9,000 रुपये मेरे टोटल लगे हैं। साथ में मेडिसिन आई है, जो मेडिसिन ओरली खिलाने वाली है और बाहर से लगाने वाली भी मेडिसिन है। ऑइंटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, ये एंटीबायोटिक है जो ओरली इन्हें पिलानी है दिन में 2 बार। ये गाइस आप पढ़ सकते हैं इस मेडिसिन का नाम। ये ऑइंटमेंट है जहाँ से सर्जरी इनकी हुई है वहाँ पर लगाने के लिए मेडिसिन है जिससे कि रिकवरी और भी जल्दी हो जाए और ज़ख़म जल्दी से जल्दी भर जाए। तो गाइस इनकी जो कॉस्ट आई है सर्जरी की वो 4,500 रुपये पर कैट आई है और अगर आप फीमेल की सर्जरी करवाते हैं तो वो आएगी लगभग 5.5 के करीब। तो गाइस फर्स्ट डे और सेकेंड डे थोड़ा टिपिकल होता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो ज़ख्म होता है वो बिल्कुल ताज़ा होता है सर्जरी जो हुई हुई होती है और इनको थोड़ा पेन भी होता है क्योंकि फर्स्ट डे तो ये नशे में ही रहते हैं, सेकेंड डे थोड़ा इनको पेन होता है। सेकेंड डे के बाद ये माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सबके आंसर दूंगा और एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि हम और भी क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से, इसे हम खाली 5 मिनट की हम वीडियो बनाया करेंगे। इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है गाइस, खुदा हाफिज़।